हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान के प्राचीन इतिहास का 19वां भाग, गुप्त साम्राज्य। तो आइए देखते हैं गुप्त साम्राज्य में क्या क्या दिया हुआ है। पेज संख्या है 21। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जो कि 240 से लेकर 280 ईस्वी तक रहा। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जो कि 280 से लेकर 320 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। पेज संख्या 22 पे आते हैं। इसमें जिक्र है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 355 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन एक बहुत बड़ा बात है। नेपोलियन का भी जिक्र करेंगे। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि उसे भविष्यवाणी किया गया था कि वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके हाथ में रेखा था, तो उसको देख के ज्योतिषी बोला कि आपके हस्त रेखा से आप कोई बड़ा आदमी नहीं बनते हैं सकते हैं। तो नेपोलियन ने क्या किया कि अपने हाथ पे तलवार या चाकू जो लिया और उसी से रेखा बना दिया और वो एक महान योद्धा बना आगे चल के। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी, इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त टू हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त टू ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त टू उत्तराधिकारी कुमारगुप्त एक का योगविंद गुप्त 415 से 454 हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त एक का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जो कि 455 से 467 होता है, 455 से लेके 467 ईस्वी तक हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त जो शासक था वो भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे।
भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडापासी कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। तो ये सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आज भी ग्राम मुखिया ही कहलाता है। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। यह भी ध्यान रखिए 1/4 और 1/6। पृथ्वी और मून का दूरी 1/6 ही होता है, भी ध्यान में रखिएगा। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती है। तो इस तरह से 5 आर्थिक उपयोगिता था। सिंचाई के लिए रहट, गांव देहात में अभी भी देखने को मिल जाएगा रहट, या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। रहट होता कैसा है? एक नाव का आकार का होता है ऐसे, ठीक है, आई जो ऐसे वाला है ना, इसमें पानी भर भर के खेत में डाला जाता है। इधर से ऐसे ऊपर रहेगा, नदी में रहेगा, या छोटा छोटा जो रिवर होता है उसमें ना, जिसको हम लोग बोलते हैं देहात में नहर, उसमें, और ये इसमें पानी खींचेगा, फिर यहाँ ये वाला जो पोर्शन है वो खेत है, उसमें पानी छोड़ देगा, उसको बोलते हैं रहट। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा जाता था। गुप्त राजाओं का जो मुद्रा था उसको क्या कहते हैं? दीनार, ठीक है, याद कर लीजिएगा दीनार। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन यज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओषणम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ये दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास का पाठ संख्या 19 है और पेज नंबर 23 है। तो आइए शुरू करते हैं थोड़ा सा ध्यानपूर्वक। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के आयरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वेश्यावृत्ति पहले भी होता था, ची ना, गंदा बात है ना, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। आजकल तो चकला चलाती है सब, कुटनी सब। गरीब घर की महिलाओं पर नज़र गड़ाए बैठे रहती है और जो झोपड़ा झोपड़ा है सब कहाँ कहाँ से फंसा लेती है महिलाओं को, और गलत सलत काम ऐसा करवा देती है कि आप जानते ही होंगे। उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए, जो पहले गुप्त काल में वेश्या को गणिका कहा जाता था, वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे।
तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुछ उल जो है 29 गुफा में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। अजंता में पहले कितना गुफा था? 29, बच कितना गया है? 6, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रसन्नीय है। गुफा संख्या 17 के चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिवारण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म का महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त टू में प्रसिद्ध कवि कौन थे संस्कृत के? कालिदास। ये याद करने का चीज़ है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त टू के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। अच्छा, धन्वंतरी बहुत फेमस वो वैद्य हैं, और ये जो पतंजलि रामदेव बाबा जी का है ये सब उसी पर आधारित है। चरक, धन्वंतरी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, घर में पंचतंत्र जरूर रखें और बताएं कैसा पढ़ के लगता है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था और इसके 5 भाग में बांटा गया है। तो मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास, अपरीक्षाकारित्व, अपरीक्षाकारित्व हिंदी भी अच्छा अच्छा है। 5 भागों में बांटा गया है, आपने जाना। आगे बढ़िए। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त टू के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वाराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल की राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। रुपयका। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। थोड़ा जान लें गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर और उनके स्थान। विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है यह। शिव मंदिर भूमरा, नागौदा, मध्य प्रदेश में ही है। पार्वती मंदिर नायना कुठार, मध्य प्रदेश में ही है। मतलब 3 मंदिर जो गुप्त काल में बने वो मध्य प्रदेश में ही बने। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में बना।
और एक और शिव मंदिर जो है खोह नागौद मध्य प्रदेश। तो टोटल कुल मिला के 5 हो गए, 4 हो गए मध्य प्रदेश में मंदिर गुप्त काल के। भीतर गांव मंदिर, भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर ईंटो कानपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये सारा बनाया गया। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हुए, अगर आएगा एग्जाम में तो आप टिक कर दीजिएगा। ये था गुप्त साम्राज्य का विवरण पेज संख्या 21, 22 और 23 से। अगला अध्याय जो होगा पार्ट 20 प्राचीन भारतीय इतिहास का, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश।